हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौरभ, नी वॉचिंग टैंगी बी। सो गाइस, अभी फिलहाल रात का समय है एंड मैं यहाँ पे, इट्स माय डे टू इन पांडिचेरी। फिलहाल मैं अभी डिनर करने आया हूँ और ये मैं अभी जो रॉक बीच है मैं उसके पास आया हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम दूर रहता, ऐसा कोई रेस्टोरेंट मुझे बीच व्यू मिले जहाँ पर मैं प्रॉपरली बीच व्यू लेके खाना खा पाऊँ। एंड मैंने एक अभी रेस्टोरेंट को यहाँ पे फिगर आउट किया जो कि है एस्केप इन, जो कि एकदम रॉक बीच के सामने है। और ये मैं यहाँ पे एक बालकनी व्यू है जहाँ पे आप इजीली बैठ के यू कैन हैव बीच का व्यू लेते हैं, मज़ेदार अपन डिनर कर सकते हैं। फिलहाल मैं वहीं पे जाने वाला हूँ, उसके लिए हमें यहाँ पे स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। देन हैव टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर, वो रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे जाके हम बीच व्यू लेते हुए बालकनी में बैठेंगे, अपना खाना ऑर्डर करेंगे एंड विल हैव अवर बीच फेसिंग डिनर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए ऊपर जाते हैं, अपना खाना ऑर्डर करते हैं एंड बीच व्यू के साथ हम डिनर एंजॉय करते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स ऑर्डर किए हैं। ये है इनका गार्लिक बेसिल प्रॉन, जो कि एक स्टार्टर आइटम है, बहुत फेमस है यहाँ पे। प्लस मैंने ऑर्डर किया इनका मसाला फ्राइड किंगफिश, और यहाँ पे मैंने एक मेन कोर्स में आइटम ऑर्डर किया विच इज़ हनी मस्टर्ड चिकन। लेट्स ट्राई द प्रॉन्स फर्स्ट, इनको ट्राई किया जाए। ये देखने में काफ़ी स्पाइसी लग रहा है, थोड़ी सी पहले मैं ये जो इसका जो मसाला है ट्राई करता हूँ। लेट्स ट्राई दिस, लेट्स सी ये कैसा है। बहुत फ्लेवर है, बहुत बढ़िया है, फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। अगर आप प्रॉन्स के साइज़ देखें तो काफ़ी बड़े बड़े प्रॉन्स आते हैं इसमें, टोटल 5 प्रॉन आते हैं। एक मेरी प्लेट में 4 इस ट्रे में है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। लेट्स ट्राई देम, बड़ा सा प्रॉन, सो गुड। एक मिठास है साथ में, जो गार्लिक का जो फ्लेवर आ रहा है काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, एक बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है इसमें। जो स्पाइसेस हैं स्टार्टिंग में माइल्ड लगते हैं, लेकिन जब आप उसको स्वॉलो कर रहे हैं, गले में हिट कर रहे हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा है इनका, बहुत मज़ा आ रहा है। प्लस जो प्रॉन्स का साइज़ है मस्त लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आइटम विच इज़ किंगफिश। ये मसाला फ्राइड किंगफिश है, आइए इसको ट्राई किया जाए। इसमें छोटा सा एक पीस लेता हूँ इसका, ये उसमें आपको पूरी की पूरी एक किंगफिश आती है। ट्राई किया जाए, थोड़े से अनियन, मैं एक प्रॉन और लूँगा साथ में स्वाद बनाने के लिए। थोड़ा सा नींबू उसपे भी छिड़का जाए, देखते हैं हाउ डज इट टेस्ट, फ्लेवर एनहांस होने हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस, हमारी मसाला फ्राइड किंगफिश। वाओ, सो फ्रेश, बहुत मज़ा आ रहा है। किंगफिश बहुत फ्रेश है, जो मसाले यूज़ किए हैं एक मस्त स्पाइस ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। क्योंकि ये फ्रेश है और मसाले इतने बढ़िया यूज़ किए हैं, एक अलग फ्लेवर आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। टू गुड विद दिस अमेजिंग व्यू एंड द अमेजिंग फूड, काफ़ी मज़ा आ रहा है पांडिचेरी में। लेट्स ट्राई दीज प्रॉन्स, तो हाथ से ट्राई करते हैं, थोड़ा नींबू और छिड़क लेते हैं। लेट्स ट्राई दिस, हमारे गार्लिक बेसिल प्रॉन, सो सो गुड। गाइज, लेट्स ट्राई अवर लास्ट मेन कोर्स आइटम, दिस इज हनी मस्टर्ड चिकन विथ राइस एंड पोटैटो विजेस। लेट्स ट्राई दिस, ये हमारा लास्ट आइटम, थोड़ा चिकन ट्राई करते हैं ग्रेवी के साथ।
हनी मस्टर्ड जो ग्रेवी होगी इसकी, वाह, एक बर्न हनी से इसकी स्वीटनेस आ रही है, मस्टर्ड और एक बर्न ग्रिल फ्लेवर आ रहा है, वाह, सो गुड। लेट्स ट्राई दिस विद राइस। ये जो हनी मस्टर्ड चिकन है, इट्स मोर ऑफ अ ग्रिल्ड चिकन, थोड़ा बर्न फ्लेवर आ रहा है इसमें आपको। जो चिकन है वो ग्रिल्ड चिकन है इसमें, उसको बाहर में कट किया गया, आई थिंक मोले चिकन ग्रिल किया गया है। जो ग्रेवी है उसमें एक बर्न फ्लेवर आ रहा है इसलिए आपको, लेकिन जो स्वीटनेस आ रही है और जब आप उसको मुँह में ले रहे हैं पूरा मुँह एकदम स्पाइसी हो जा रहा है, वेरी स्पाइसी एट द सेम टाइम काफ़ी स्वीट है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत फ्लेवरफुल है। नहीं ये जरूर कह सकता हूँ, यहाँ पे जो खाना है मेरे पास, तीन जो आइटम मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं तीनों के टेस्ट काफ़ी अलग है। ये जो था इट वॉज मोर ऑफ लिटिल स्वीट एंड स्पाइसी, ये मसाला था इट वॉज एवरेज, नॉट टू स्पाइसी बट इट वॉज वेरी गुड। फिश काफ़ी फ्रेश है, यहाँ पे प्रॉन्स काफ़ी बड़े बड़े प्रॉन्स मिलते हैं आपको, एंड ये जो इसका अलग ही टेस्ट आ रहा है, इट्स मोर ऑफ बर्न स्पाइसी, थोड़ा टैंगी भी है, काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में। सर कॉम्बिनेशन राइस के साथ बहुत बढ़िया आ रहा है। डिडंट फिनिश ऑल दिस, मैंने साथ में एक कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, कोक, इसमें टाइम टाइम पी रहा हूँ सो दैट मुँह का फ्लेवर क्लियर होता रहे, सो दैट आई कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स। लेट मी फिनिश दिस आइटम्स, फिर से दोबारा मिलता हूँ, बता रहा मेरा फाइनल रिव्यू कैसा रहेगा। सो गाइस मेरा एस्केप इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मैंने अभी इनकी तीन चीज़ ट्राई की थी, मुझे जैसे गार्लिक बेसिक प्रॉन्स, इनका जो मसाला फ्राई किंगफिश था जो तवा फ्राई, और जिनका ना हनी मस्टर्ड चिकन। इसमें से मेरा जो मस्ट रिकमेंड रहेगा वो कि रहेगा इनका गार्लिक बेसिल प्रॉन जो कि आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए, एंड इनका मसाला जो तवा फ्राई किंगफिश था ये तो आइटम इज मस्ट ट्राई। इनका जो हनी मस्टर्ड जो चिकन था मुझे वो उतना खास नहीं लगा, रीज़न बिंग इट उसका उसमें एक बर्न फ्लेवर आ रहा था जो कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे मैं उसको और खाता जा रहा था वो उतना पैलेट को सूट नहीं कर रहा था। बट विद दैट सेड द मस्ट रिकमेंडेड थिंग अबाउट दिस प्लेस इज बिकॉज आप अगर यहाँ पे आते हैं आपको ये बालकनी व्यू मिलेगा जो कि सीधा हमारा जो रॉक बीच है यहाँ का जो वो आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमारा जो पांडिचेरी का जो फेमस रॉक बीच है वो आप यहाँ पे वो यहाँ पे सामने ही है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट को ट्राई कीजिए, अगर आपको बीच फेसिंग खाना खाने का एक्सपीरियंस लेना है डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेस। विद दैट सेड इट्स अ रैप हियर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम फिर से मिलेंगे किसी नई जर्नी पे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते, टेक केयर, बाय बाय।